राजस्थान में एक अफसर ने भौकाल मचा रखा है राजस्थान में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि आयुक्त पंकज ओझा आजकल पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं पंकज ओझा ने राजस्थान जयपुर के लगभग सभी बड़े हलवाई बड़े मिष्ठान कारोबारी बड़े कैटरिंग के कारोबारियों के ऊपर निरंतर कार्रवाई करके अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि अब मिलावट नहीं चलेगी राजस्थान में जब ये कार्रवाई की गई छापे की तो किसी मिष्ठान भंडार में तेल पुराना मिला किसी मिष्ठान भंडार में सामान पुराना मिला किसी के पास मसाले मिलावटी मिले इनके ऊपर कार्रवाई की गई राजस्थान में कुल्फी बनाने वाले तक पे कार्रवाई की गई और उस कुल्फी बनाने वाले को भी नोटिस थमा दिया गया कल एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसके अंदर 13,700 किलो देसी घी श्री सरस के नाम से ये देसी घी मौजूद था नकली देसी घी पकड़ा गया पंकज ओझा स्कूल इनग्रेशन के एक कार्यक्रम में गए और उन्होंने वहाँ बच्चों को संबोधित करते हुए ये कहा कि जब से इस पोस्ट पे आया हूँ काम शुरू किया है जब से कुछ भी खाने का मन नहीं करता और हिम्मत नहीं करती इसलिए सिर्फ और सिर्फ सलाद पे ही अपना जीवन जी रहा हूं अब आप अंदाजा लगा सकते हैं पंकज ओझा के इस बयान से कि मिलावट का स्तर कहां तक पहुंच चुका है और हम किस स्तर के जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने जब फल मंडी में छापा मारा तो पता लगा कि कागज की पुड़ियाओं में बांध बांध कर केमिकल फलों के बीच में रखा हुआ है जिससे फल पकाए जा रहे हैं यह तो हुई खबर अब सवाल यह उठता है कि आयुक्त साहब ने तो कह दिया कि कुछ भी खाने लायक नहीं है अगर नहीं है तो हम समोसा नहीं खा सकते कचौड़ी नहीं खा सकते टिक्की नहीं खा सकते कुल्फ़ी नहीं खा सकते छाछ नहीं पी सकते उस तक में मिलावट है और सबसे ज़्यादा घरों में काम आने वाली चीज जो हम बहुत सहज सहज के काम में लेते हैं वो है देसी घी उस तक में मिलावट मिल गई है नकली देसी घी पकड़ में आया है तो अब सवाल ये उठता है कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी क्या इनके प्रतिष्ठानों को हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाएगा या सिर्फ़ खाना पूर्ति करके इनको छोड़ दिया जाएगा अगर खाना पूर्ति करके छोड़ दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये दोबारा ये मिलावटी काम नहीं करेंगे घटिया क्वालिटी का खाने का सामान नहीं दिया जाएगा या राजस्थान सरकार इस बार खाने में मिलावटी सामान को लेकर नो टॉलरेंस अपनाएगी और क्रिमिनल मुकदमे दायर करेगी ये सब भविष्य के में है पर सवाल बड़ा है कि इन पे क्या कार्रवाई होगी जिन भी दुकानों पर खाद्य सुरक्षा के बाद कार्रवाई की गई है उन दुकानों पे एक नोटिस मिला और उसके बाद में दोबारा वो दुकानें चालू हैं तो क्या इन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है क्या ये कार्रवाई महज एक खाना पूर्ति थी क्या भविष्य में हमको सुरक्षित सामान मिलने का अंदाजा है या अभी भी हम वही मिलावटी सामान उपयोग में ले रहे हैं अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें